यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इसी बीच बड़ी खबर शिमला से आ रही है, जहां पर आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हिमाचल में प्रशासनिक बड़ा फेरबदल हुआ है और इसी फेरबदल के चलते 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर शिमला से आपको दे रहे हैं, जहां पर 18 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। सीएम जयराम ठाकुर की प्रधान सचिव मनीषा नंदा का भी तबादला कर दिया गया है, तो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 18 आईएएस विभाग के अधिकारी जो है उनका तबादला कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि गृह विजिलेंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाए गए हैं बीके अग्रवाल। उमेश शर्मा हमारे संवाददाता शिमला से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, ज्यादा जानकारी क्या है खबर को लेकर, जो तबादले अभी किए गए हैं, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जयराम सरकार में हुआ है? हाँ, देखिए, जयराम सरकार ने अभी 4 महीने के अपने शासनकाल में जो अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारियों का आकलन किया था, उसको देखते हुए ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। और ये प्रशासनिक फेरबदल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल अचानक किया गया, ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इन चीजों पर डिस्कशन हुआ। सरकार किस तरह से जाना जा रही है, सरकार ने जनता से क्या वादे किए, जनता के वादों को कैसे जमीन पर उतारना है, उसके लिए एक प्रॉपर रणनीति बनी है। उस रणनीति के बाद नेताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में और जो भाजपा संगठन के लोग हैं, इनके बीच में पूरी रणनीति बनाने के बाद ये फेरबदल हुआ है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन का तबादला हुआ है, किन किन अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं। देखिए, महत्वपूर्ण रूप से माना जा रहा है, मुख्यमंत्री की जो प्रधान सचिव थी मनीषा नंदा, उनको बदल दिया गया है। उनको लेके लंबे अरसे से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको बदला जा सकता, आखिरकार उनको बदला गया। उनकी जगह वित्त जो सचिव थे प्रदेश के, वित्त सबसे सबसे मजबूत सबसे अहम पद माना जाता है, श्रीकांत बाल्दी। लगभग 3 सरकारों में ये वित्त सचिव रहे हैं, धूमल सरकार में, उसके बाद वीवर सिंह सरकार में, उसके बाद अभी वर्तमान जयराम सरकार में भी वित्त सचिव रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पद था ये, उनको बदलकर मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव, मुख्य प्रधान सचिव बना दिया गया है। और उनकी जगह जो दिल्ली में प्रतिनिधि लगभग साल भर पहले लौटे अनिल काशी है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, उनको वित्त सचिव बनाया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव प्रदेश सरकार में माने जा रहे हैं, 3 महत्वपूर्ण बदले हैं। और सरकार एक संदेश देना चाह रही है और प्रशासनिक अधिकारियों को भी, नौकरशाहों को भी और सरकारी कर्मचारी को संदेश देने का कोशिश की है जयराम सरकार ने, कि सरकार काम करना चाहती है, डिलीवर करना चाहती है। लोगों जो इतना बड़ा मैंडेट दिया, उस मैंडेट को जमीन पर उतारना चाहती है। इसी सोच के साथ ये बड़ा बदलाव हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस सरकार का माना जाता है। और सरकार ने एक बड़ा ऐसा साहसिक कदम उठाया, जहां इस तरह के अधिकारी को बदलना बहुत कठिन काम होता है, तो जयराम सरकार ने यह महत्वपूर्ण काम किया है। वित्त सचिव बदले हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बदले हैं, और जो विजिलेंस का होम डिपार्टमेंट है वो बदले हैं, और इनमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब देखना है सरकार ने ये जो बदलाव किए, सरकार क्या इन अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर जो अपना काम काज है उसको आगे बढ़ा सकती है, अपने विजन के साथ आगे बढ़ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 18 अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारी को बदलना जाना एक बहुत बड़ी बात हिमाचल जैसे राज्य के लिए मानी जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश शर्मा ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो 18 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये नजर आया है, जो कि एक पूरी प्लानिंग के तहत हुआ है, पूरी रणनीति पहले बनाई गई और एकदम से ये बदलाव नहीं हुआ है।